पार्वती यादव है, कहीं बैठी हो पार्वती यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। पार्वती यादव आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार भिलाई से आई हूँ। बाबा मैं इस शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं, मेरी बहन इसी पंडाल में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करने पहुंची और पंडाल में जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए पहुंची, अचानक से घर से फोन आया मेरी बहन के यहाँ, उनका बेटा सीरियस है, तो मेरी बहन यहाँ से कथा भी ना सुनी है और दोपहर में 1:30 बजे बस बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बहन यहाँ से निकल गई। हमारी बहन के यहाँ से वापस हमारे पास खबर आई कि दोपहर में 3:30 पर खबर आई कि जिस बेटे की तबीयत खराब थी वो मर गया। लड़का शांत हो गया तो हम भी घर चले गए, यहाँ से 3:30 बजे हम यहाँ से कथा में से उठकर घर चले गए और घर जाने के बाद में हम हमारी बहन के यहाँ जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि उसका बेटा शांत हो गया। गुरुदेव हमने हमारे पति से कहा कि एक बार वापिस कथा स्थल ले चलो। कथा स्थल आए, एक कंकर को उठाकर नमन कर किया और उनसे विनती करी कि हमारे बहन का लड़का मर गया ऐसी सूचना आई है, पर आप सीहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में सुनते हो, आप क्यों ना सुनते हो। गुरुदेव हम उनके घर पहुँचे और मालूम पड़ा कि उस बच्चे को एक पैरालिसिस का जम के झटका आया और बच्चा वापिस जीवित हो गया। बालक वापिस जीवित हो गया। अब ठीक है बहन, वो एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महार। बैठी है, मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार से भिलाई से आई हूं। गुरुदेव शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। आप सीओर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आयो, सीओर वाले महाराज को सुनने के लिए यहां नहीं पहुंचे हो, यहां आप पहुंचे हो मेरे कुबेर भंडारी को श्रवण करने के लिए, यहां पहुंचे हो मेरे महाकाल।